उत्तर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन के आधार पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से 2017 में शुरुआत की और उसके बाद में आज जो खबर आ रही है वो किस तरीके से यातायात पुलिस हो या फिर पीटीओ विभाग के लोग, दोनों ही विभाग के लोगों पर सख्ती बरतते हुए एक ऐसे मामले में कार्रवाई का सिलसिला शुरू हुआ है जिसमें कई सारे लोगों को सस्पेंड कर दिया गया है, क्योंकि आरोप यह रहा कि आरटीओ की मिली भगत की वजह से ओवरलोडिंग हो रही थी जिसकी वजह से हादसे भी बढ़ रहे थे और ऐसे में स्थिति ऐसी उत्पन्न हो रही थी कि कई सारे लोगों की जिंदगियां भी खत्म हुई थी। इसलिए जब यह मामला तुल पकड़ा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एसआईटी का गठन किया और एसआईटी ने अपनी जांच में पीटीओ और आरटीओ एआरटीओ के चार लोगों को गिरफ्तार किया है। एक बड़ा प्रहार ऐसी चीजों में, ऐसे विभागों पर भी कई बार जिनके बारे में शिकायतें की जाती रही हैं, मगर देखने और सुनने को ऐसा मिलता है कि वो शिकायतें कहीं ना कहीं जांच के तौर पर आगे बढ़ती तो हैं मगर कहीं ना कहीं फाइलों में दब करके रह जाती है। मगर इस बीच में जिस तरीके से जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन के लिए जो एक एग्जाम्पल और नजीर सेट की जा रही है पिछले 3 वर्षों से, उसकी एक कड़ी के तौर पर ये आप देख रहे हैं किस तरीके से पीटीओ और एआरटीओ समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो दरअसल सड़कों पर ओवरलोडिंग के सिलसिले में कई बार लोगों ने शिकायतें की, कई बार इस किस्म की घटनाएं आपके सामने आती रही हैं जिसमें लोगों की मौतें हुई हैं, हादसे हुए हैं और ऐसे में सब कुछ इसी विभाग से जुड़े हुए लोगों की मिली भगत की वजह से हो रहा था। और इन्हीं तमाम कड़ियों को देखते हुए, इन तमाम बिंदुओं को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एसआईटी का गठन करने का निर्देश दिया था। एसआईटी ने इस पूरे मामले में जांच पड़ताल के बाद में जो सच पाया, जो बातें सामने एसआईटी टीम के सामने आई, उसके बुनियाद पर अब यह बड़ी कार्रवाई की गई है और ऐसे में यह कार्रवाई आगे एक नजीर भी साबित करेगी।